आने के 8 प्राथमिक स्कूलों में लगेगा ताला, 10 से कम विद्यार्थी हैं पंजीकृत, इन्हें पास के सरकारी स्कूलों में किया जाएगा शिफ्ट। चलिए बात कर लेते हैं, लखनऊ परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की बजाय बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। राजधानी के ऐसे 8 प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया जहां 10 से कम छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इन विद्यालयों में लंबे समय से छात्र संख्या बढ़ोतरी नहीं हुई। विभाग अब विद्यालयों को बंद कर यहां पंजीकृत विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में शिफ्ट करेगा, तो वहाँ का स्टाफ भी शिफ्ट होगा। राजधानी के सरकारी विद्यालयों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही, कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं स्कूल जर्जर भवन चल रहे हैं। विद्यालयों की लचर व्यवस्था को देखकर अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश कराने से कतराते हैं। लंबे प्रयास के बाद जब पंजीकरण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो विभाग ऐसे विद्यालय को बंद करने की योजना बना रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा है, 10 साल पहले 25 प्रसिद्ध विद्यालय बंद किया गया तो अब 8 अन्य विद्यालय बंद करने की तैयारी है। विभाग का यह निर्णय सही नहीं है, इससे गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इन क्षेत्रों में ये स्कूल संचालित हो रहे हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं और दाखिला लेना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष PK शुक्ला ने बताया कि राजधानी ने जिन स्कूलों को बंद करने की तैयारी, उनके ज़्यादातर अन्य विद्यालयों से अटैच कर दिया गया है। किसी विद्यालय में 1 तो किसी में 9 छात्र छात्राएं ही पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास ऐसे कई सरकारी विद्यालय हैं जहां की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन विभाग को इसकी जानकारी नहीं। अब सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की बजाय बंद करने का निर्णय लिया जाए जो गलत है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो का हो गया बीच में बोल रही है हमारी पत्नी जी हैं, इनकी भी आवाज़ सुन लीजिए। ज़्यादातर को अन्य विद्यालय में अटैच कर दिया गया है, किसी विद्यालय में 1 तो किसी में 9 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आवास के आस ऐसे सरकारी विद्यालय जहाँ स्थिति बहुत ख़राब है जो बजाय ठीक है, लेकिन विभाग इसकी जानकारी नहीं। अब सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की वजह बंद करने का निर्णय जो गलत है। कांधारी खेड़ा व पिपरा घाट प्राथमिक विद्यालय में केवल 1-1 विद्यार्थी। राजधानी की 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जहाँ कुल छात्र छात्राओं की संख्या केवल 47 है। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के अनुसार दुगोली, मानखेड़ा, सहजा प्रसिद्ध 9-9 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। मदन खेड़ा और मौसी में 8-8, जबकि रिफ्यूजी कैंप में 2, कांधारी खेड़ा पिपरा घाट में 1-1 विद्यार्थी पंजीकृत है। यहाँ पंजीकृत विद्यार्थियों व शिक्षकों को अन्य स्कूलों में अटैच किया जाएगा। तो ये हाल हो गया, अगर बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो स्कूलों को बंद किया जाएगा।